आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अभी 67 बीपीएससी की एग्जाम हुई है री एग्जाम, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाली 68 बीपीएससी की एग्जाम में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन को बनाने के क्या प्रोसेस होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि ये आगामी परीक्षा जो अभी 68 बीपीएससी की एग्जाम होने वाली है 8 जनवरी को, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगा। देखते हैं दोस्तों इसको कैसे बनाया जाए। क्या है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या हो। हम लोग एक पेन क्या करते हैं कि सम चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है ना, तो ये एक सम चतुर्भुज है। क्या बोले कि इनके विकर्णों की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये एक जो सम चतुर्भुज है ए बी सी डी है, इसका विकर्ण क्या दे रखा है, ये इसका विकर्ण है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का विकर्ण क्या होती है कि समकोण पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हम इस बिंदु को मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है कि एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि इसका जो ये 10 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, और जो है इधर से क्या हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका साइड निकालना होगा, और साइड कैसे निकालेंगे तो देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये जब सम चतुर्भुज है तो इसका ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला हमको निकालना होगा और ये निकालना होगा, तब जाकर इसका क्या होगा, साइड निकलेगा। तो इस जो यहाँ पे ए ओ है ये बराबर किसका हो जाएगा, ओ सी का हो जाएगा। इसी तरह जो ओ डी है ये बराबर किसका हो जाएगा, ओबी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला साइड कैसे निकलेगा। तो साइड कैसे निकलेगा इसका, तो हमको ये एसी कितना दे रखा है, एसी दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ओए निकालना है। ओए कैसे निकलेगा, जब जानते हैं कि दोनों बराबर होगा इसका मतलब आधा आधा होगा, तो इसको हम बटे दो कर देंगे, सॉरी यहाँ करते हैं, हमको ए ओ निकालना है। तो क्या कर लेंगे, 10/2, क्योंकि इसका आधा ही होगा, ये ए ओ होगा, आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह हम लोग निकालते हैं, यहाँ से ओ भी निकालते हैं, तो ओ भी क्या हो जाएगा, इस पूरे का आधा हो जाएगा। तो पूरे कितना है, 24 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जब हमको ये निकल गया, यानी कि ये वाला जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 12 सेंटीमीटर हो गया, इसको मान लेते हैं साइड ए। तो हमको ये वाला निकाल कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इस दोनों का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ये होगा। तो इसको देखते हैं, हमको ए स्क्वायर तो निकालना है, ए निकालना है, तो हमको इसको ऐसे ही रन देते हैं। ओ ए हमको पता है, ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और ये 144 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके 169 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 169 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, ध्यान से क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि हमको साइड कितना निकल गया, साइड का वैल्यू 13 निकल गया। तो हमको निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे परिमाप, हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4a। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे 4 और हमको भुजा निकल गया, यहाँ पे एक साइड निकल गया 13, यहाँ से 13 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 52, यानी ये जो 52 सेंटीमीटर है यही इसका क्या है, परिमाप है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।